नगरीय विकास मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने बुधवार को भिवाड़ी में कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर तिजारा विधायक मामन सिंह, विशेष अतिथि नगर परिषद सभापति संदीप दायमा और उप सभापति बलजीत दायमा सहित पार्टी के कई नेता शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक मामन सिंह यादव ने की। नगरीय विकास मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने करीब 10 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से होने वाले विकास कार्यों का लोकार्पण किया। कृपलानी ने यूआईटी सेक्टर 8 में सामुदायिक भवन, सेंट्रल पार्क में आधुनिक कचरा पात्र, मंशा चौक पर बीटी सड़क, वसुंधरा नगर में फायर स्टेशन कार्यों का लोकार्पण किया। वहीं अलवर बाईपास पर सर्विस लेन, फुटपाथ और हार्वेस्टिंग का लोकार्पण किया। वहीं मंत्री ने बताया कि दिल्ली और गुड़गांव के पास होने के कारण भिवाड़ी को बेहतर सिटी बनाया जाना जरूरी है। मैं यूआईटी ने जो विकास के काम किए हैं उन कार्यों का शिलान्यास उद्घाटन हो रहा है, और मैं जहाँ तक सोचता हूँ राजस्थान में वसुंधरा जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे राजस्थान के शहरों में जो विकास हुआ है पिछले 4 वर्षों में, विकास की जो योजनाएं बनी हैं, हम सबकी भावना है कि भिवाड़ी भी उस विकास के अनुरूप, उस प्रगति पर चलते हुए खूबसूरत भिवाड़ी बने। भिवाड़ी चूँकि गुड़गांव के पास है, गुड़गांव से खूबसूरत बने। स्वच्छ भारत अभियान जो हमारे प्रधानमंत्री जी का है, स्वच्छ भारत अभियान भी यहाँ सक्सेस हो, वो DF हो, और मैं MLA साहब, चेयरमैन साहब, सबको धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने प्रयास करके वसुंधरा जी की जो योजनाएँ, शहरी योजनाएँ, कई योजनाएँ बताने की आवश्यकता नहीं आपको पता है, लेकिन उनको लागू करके भिवाड़ी का विकास करने का इनकी तरफ से पूरा प्रयास किया।